बंगाल दे विच विधानसभा चोणां नूं लैके मामला एक बार फिर तो भक चुक्या है। कारण बनिया ने इस बार भी ईवीएम मशीन अज 2 अप्रैल की एक सोशल मीडिया से वीडियो वायरल हो रही है, जिस दे विच बंगाल के पिंड पत्थरकांडी तो भाजपा के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की गड्डी दे विच ईवीएम मशीन पाई गई ने। हुण इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया से बड़ी तेजी वायरल हो रही है। सब तो पहला तुसी वेखो ये वीडियो, जिस दे विच लोकल वसनीक स्थानक वसनीक ईवीएम मशीन लैस इस गड्डी नूं फड़दे ने ते हुण कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सो देखा तुसी किस तरह इस वीडियो दे विच कृष्णेंदु पॉल दी गड्डी दे विच ईवीएम मशीन स्थानक लोकां वल्लों फड़ियां गईयां ने। वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है, तुसी भी देखिए वीडियो, अपने विचार साडे नाल जरूर सांझे करियो। यह कोई पहला मामला नहीं जदों ममता बैनर्जी वल्लों या TMC पार्टी वल्लों भाजपा दे उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे उत्ते आरोप लाए गए। हुण इलैक्शनां दे विच भेदभाव या छेड़छाड़ करन दे ईवीएम मशीन नाल छेड़छाड़ करके ही भाजपा पार्टी अपनी सत्ता कायम करती है। अजिहे आरोप लोगों के एक वड्डे तबके वालों TMC पार्टी वालों लगातार लाए जाते रहे हैं। हुण TMC पार्टी की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी वालों यह भी आरोप हाले कुछ दिन पहले ही लाए गए हैं, जो पहले गेड़ दी विधानसभा चोणां बंगाल दे विच होईयां ने, कि भाजपा के उम्मीदवार वालों इलैक्शन कमीशन के अफसर के नाल ही कुटमार की गई, वोट नहीं पा दी गई, धक्केशाही करके वोट अपने हित में भुगताई गई। हुण इस सब मामले तो बाद एक बार मुड़ तो यह मामला भक चुक्या कि ईवीएम मशीन के नाल छेड़छाड़ करके भाजपा अपनी सत्ता कायम करती है। तुसीं भी देखी आ वीडियो, जिस दे विच कृष्णेंदु पॉल जो कि भाजपा के उम्मीदवार ने पत्थरकांडी पिंड तो बंगाल दे विच उन्हां दी गड्डी दे विचों जिहड़ियां ईवीएम मशीन पाई गईयां ने। इस मामले उत्ते कमेंटां दे अपने विचार जरूर दिओ। देश विदेश दीआं होर खबरां देखण वास्ते इसे तरह जुड़े रहो लिबरल TV पंजाबी दे नाल, लोकां दी आवाज़ लोकां लई।